नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट एग्जाम में। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020 एवं खंड शिक्षा अधिकारी 2019, ठीक है, जिसका मॉडल पेपर नंबर है 14। इससे पहले हम क्या 13 मॉडल पेपर बना चुके हैं, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, साथ में अलग से प्ले लिस्ट बना दी, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चन वही जो पीसीएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो चलिए देखते हैं आज के पहला क्वेश्चन। साथ में आपको बताना होगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। सो फ्रेंड, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, आप भी कहिएगा वाह क्या वीडियो है। चलिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है इसमें से कौन सा एक युग्म गलत है। चार ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड, चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। साथ में आपको बताना होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, आप कहाँ से स्टडी कर रहे हैं ये भी बता सकते हैं। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी लक्ष्मी बांसुरी, ये क्या है, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। एम एस सुब्बलक्ष्मी यानी कर्नाटक की संगीत प्रख्यात गायिका है, ठीक है, जिन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा हुई थी, यानी 1998 में इन्हें मिली। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन है। सो फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चन वही है जो आपके पीसीएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके नेक्स्ट यानी आगामी होने वाली परीक्षा की दृष्टि से। सो फ्रेंड, चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, चार ऑप्शन आपके सामने है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी मोहम्मद शाह, ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, मोहम्मद शाह, यानी उस समय जब नादिर शाह ने 1739, ठीक है, याद रखिएगा 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया, वापस जाते समय मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया था, ठीक है, यानी कब, मोहम्मद शाह के शासन काल के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। भैया चलिए बताइएगा इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी बांगर, यानी वह ऊंचा भाग है, बांगर किसे कहते हैं, वह ऊंचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंचता, ये पुरानी जड़ोल मिट्टी द्वारा बना हुआ होता है, इसमें कैल्शियम की प्रचुरता होती है, खादर वह नीचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचता है, ठीक है। तो दो चीज हमें क्लियर हो गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में बना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी राणा कुंभा, ठीक है, ये मेवाड़ में अनेक किलों का निर्माण कराया, ठीक है, चित्तौड़ में इसके द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ उसकी स्थापित उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है, ठीक है, यानी कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को जब पराजित किया है उसके बाद कराया, ठीक है, यानी राणा कुंभा ज्ञान की विभिन्न विधाओं यथा गणित तर्कशास्त्र धर्मशास्त्र साहित्य तथा संगीत आदि में भी प्रवीण थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन में अर्घटा किसे निरूपित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट भी करते चलिएगा। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी जल चक्र, अरहट अथवा राहट जिसे अंग्रेजों द्वारा पार्सियन हील नाम से संबोधित किया गया, सिंचाई हेतु प्रयुक्त की जाने वाली एक विलक्षण मशीन थी जो चेन तथा गियर पर आधारित थी। भारत में राहट के प्रवेश का वास्तविक समय 13वीं या 14वीं शताब्दी है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगरीकरण औद्योगिकरण हानिकारक है। चलिए फ्रेंड बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, चलो भैया, यानी सभी के लिए, संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण के लिए, जैविक विविधता के लिए भी हानिकारक है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दशक में दासकीय वृद्धि दर अधिक थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट, यानी किस दशक में दासकीय वृद्धि दर अधिक थी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है, कौन सा? चार ऑप्शन आपके सामने है। चलो भैया बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। ओके, यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 72, ठीक है, 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोषी ठहराए गए व्यक्ति को वो दंड, क्षमा एवं उसका प्रविलंबन कर सकता है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत यदि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता कि गंभीर आपात विद्यमान है जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वो उद्घोषणा द्वारा संपूर्ण भारत या उसके राज क्षेत्र ऐसे भाग के संबंध में जो उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट किए जाए इस आशय की घोषणा करेगा। ओके, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया, ये चार ऑप्शन है। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, अर्थात किसमें किया गया। सो फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, देखिएगा ऑप्शन बी, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP। ओके, अब हम बात करें कि भारत के संविधान के भाग 4, ठीक है, अनुच्छेद 36 से आपके 51 यानी 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान किया गया, ठीक है। इन्हीं समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने को राज्य का अनुसरणीय कर्तव्य बताया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी लोकसभा के प्रतियों के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध है, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी दल बदल कानून से। 10वीं अनुसूची एवं 36वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। फिर 92वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को पुनः जोड़ा गया। संविधान के 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया एवं 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं शामिल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा मुख्यतः किस वजह से, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी कृषि व्यवस्था के कारण, हमारे यहां क्या आ गई, कृषि की व्यवस्था ठीक नहीं है। ओके, चलो भैया सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे प्राचीन यानी बृहत स्तरीय उद्योग है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कपास, सूती वस्त्र उद्योग यानी कपास आधारित है। सूती वस्त्र उद्योग का यानी प्रथम कारखाना आपके 1818 में, ठीक है, कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया, परंतु ये असफल रहा, ठीक। उसके बाद क्या है कि भारत में सबसे पहला जो सफल कारखाना 1854 में मुंबई में कवास जी डाबर द्वारा खोला गया। ओके, तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलो भैया देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी सभी। रेडियोधर्मी पदार्थ से आपके अल्फा बीटा तथा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा तथा गामा कण उत्सर्जित होते हैं तो उसके परमाणु भार व परमाणु क्रमांक बदल जाते हैं तथा किसी नए तत्व का जन्म होता है। ओके फ्रेंड क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी तांबा जस्ता, ठीक है, पीतल जस्ता 70% और तांबा 30%, ओके, इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी सिकोया। ओके,
यूकेलिप्टस क्या है? यह सफेदा एक लंबा आवृत बीजी वृक्ष है। भूगर्भ जल की अधिक मात्रा अवशोषित करने के कारण पर्यावरण की दृष्टि से इसको आतंकवादी कहा गया, ठीक है। जबकि संसार का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया है। ये नग्न बीजी पौधा है एवं देवदार पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले लंबे वृक्ष हैं, ठीक है। तो ये पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं यूकेलिप्टस, जो कि आतंकवादी घोषित हो चुका है। चलो भैया अगला प्रश्न है, गिल्ट आधारित बाजार के मायने क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फ्रेंड बताइएगा राइट ऑप्शन कौन सा है इसका। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी प्रतिभूतियों का बाजार, यानी वह पूंजी बाजार जहां पर सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है उसे गिल्ट आधारित बाजार कहा जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप नोट भी करते चलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मेरे दोस्तों। चलिए फ्रेंड इसका बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी क्लोरोप्लास्ट में, ओके। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को विकिरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं तथा पर्ण हरिम यानी क्लोरोफाइल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं H2O द्वारा भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भैया अगला प्रश्न है, पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड बताइए फटाफट इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी सब्जियों के भंडारण के लिए पॉली हाउस का यूज करते हैं जिससे क्या है सब्जियां खराब ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने, भारत के श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कुरियन को, ठीक है। भारत में दुग्ध व्यवसाय के विकास के लिए कृषि व सहकारिता विभाग द्वारा ऑपरेशन फ्लड नामक एक अभियान चलाया गया, इसके जनक वर्गीज कुरियन हैं, ओके। सो क्लियर हुआ फ्रेंड ये क्वेश्चन। चलो भैया देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। सो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, ENE बोलाक को नोबेल पुरस्कार किसमें मिला था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बताइए फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कृषि में। ENE बोलाक को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। इन्होंने बौनी गेहूं की किस्मों का विकास किया जिससे गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई, ठीक है। इनको सन यानी 1970 में कृषि में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ओके। क्लियर हुआ फ्रेंड ये क्वेश्चन। चलो भैया देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी कब लागू हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से। सो फ्रेंड वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ फटाफट, ओके। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी 1966 में, ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम स्थापित हुआ, ठीक है। यानी प्रत्येक नियंत्रित क्षेत्र के प्रबंध के लिए एक मंडी समिति होगी, ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में सिंचाई की सबसे मुख्य अवस्था है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी शिखर जड़। अभी शिखर जड़ क्या होता है, यानी मुख्य जड़ यानी क्राउन रूट, बनाते समय यानी बुआई के 20 से 25 दिन के बाद ये सिंचाई गेहूं की मुख्य सिंचाई होती है, ठीक है। इस समय हमें सिंचाई करनी चाहिए, ओके। चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरियास वाइटेला किस फसल का कीट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कपास, ठीक है। धब्बेदार सूंडी यानी स्पॉट बॉल वर्म या चितकबरी सूंडी का नाम यानी इरियास वाइटेला, ठीक है, ये कपास का कीट है। इसकी केवल सूंडी ही हानिकारक होती जिसके काटने चबाने वाले मुखांग पाए जाते, ठीक है। इससे अधिक आक्रमण होने पर कपास की फसल को 80% हानि पहुंचती है, ओके। सो फ्रेंड ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरूद की प्रमुख शर्करा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
नोट करते चलिएगा, बताइएगा अमरूद की प्रमुख शर्करा है। सो फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी फ्रक्टोज। ठीक है, फलों में पाए जाने वाले शर्करा का नाम फ्रक्टोज होता है जिसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन तो अब क्लियर हो गया होगा। चलो भैया देखते हैं अगला प्रश्न। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम संकर किस्म का विकास किस फसल में हुआ? वाह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी मक्का में। ठीक है, सन 1957 डेट याद रखिएगा, 1957 में अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना का शुभारंभ हुआ। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, पहाड़ी मृदाएं साधारणतया होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी अम्लीय। ये मृदाएं उथली होती हैं, इनका रंग भूरा से धूसर भूरा गहरा धूसर होता है। ठीक है, अभिक्रिया में अल्प अम्लीय से उदासीन होती हैं, साधारणतया ये चूना रहित मृदाएं होती हैं। ओके, तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले के ऊपरी तने को क्या कहते हैं? वाओ, क्या क्वेश्चन है। सो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सीडोस्टम। अब ये क्या है, केला एक बीज पत्री मुझे सी कुल का शाकीय पौधा है। इसका तना यानी राइजोम भूमगत होता है तथा इसके अनेक अता भूस्तरीय निकलते हैं यानी भूम के ऊपर रहने वाला तना पर्ण वृंतों के समूह से बनता है जिसे आभासी तना यानी सीडोस्टेम कहते हैं, यानी सीडोस्टेम मतलब आभासी तना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्याज लहसुन अनुसंधान कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टि से। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी नासिक में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ओनियन एंड गार्लिक सेंट्रल यानी राष्ट्रीय प्याज व लहसुन अनुसंधान केंद्र। स्थापना दिवस 1987 डेट याद रखिएगा 1987 यानी नासिक में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी स्कंदन। ओके, फिटकरी गंदे पानी को स्कंदन द्वारा स्वच्छ करती है यानी फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। ठीक है, ये एक रंगीन क्रिस्टलीय पदार्थ है, इसका प्रयोग रक्त स्राव को बंद करने में, जल शुद्धिकरण में, चमड़े आदि की रंगाई में किया जाता है। सो फ्रेंड वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।